वेलकम बैक दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त इंजीनियर कुमार मनी स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में। दोस्तों, जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। UBTER स्टाफ नर्स भर्ती 1238 पदों पर लेटेस्ट अपडेट लेकर आ चुका हूँ। 7 जनवरी की बहुत ही बड़ी अपडेट। अब आपका फॉर्म 16 नहीं लगेगा, साथ ही एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल ऑफिशियली यहाँ पे अपडेट निकल के आ रही है। साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ क्या दूसरे स्टेट वाले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आपको लेके चलते हैं ऑफिशियली वेबसाइट पर। और अभी जो है भर्ती पर रोक लग गई है, चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये है ऑफिशियली वेबसाइट और यहाँ पे जो है मैं आपको रिफ्रेश कर दूँ तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मैंने जो है रिफ्रेश कर दिया है। और यहाँ पे जो है कल की डेट में जब आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं अप्लाई नाउ पे, तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो पेज है ओपन हो जाता है और फॉर्म जो है कल आप लोग भर सकते हैं। लेकिन आज आप लोग देखिए अप्लाई नाउ पे जो है आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है रिडायरेक्ट हो जा रही है, कोई भी यहाँ पे पेज ओपन नहीं हो रही है। तो भर्ती पर जो है फिलहाल बिल्कुल ऑफिशियली रोक लग गई है। यहाँ पे आप लोग खुद देख सकते हैं भर्ती पर जो है रोक लग गई है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो कोई भी यहाँ पे पेज ओपन नहीं होगा। तो ये बिल्कुल ऑफिशियली अपडेट है। और मैं आपको बता दूं अभी जो है एक न्यू डेट ओपन होगी, न्यू डेट नोटिस आएगी। और न्यू डेट का जो यहाँ पे न्यू नोटिस आने के बाद ही जो है आप लोगों का यहाँ पे दोबारा लिंक एक्टिवेट होगा। और एग्ज़ाम डेट देखते हैं 7 मार्च होगा या डेट जो है एक्सटेंड होगी, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। अभी आप लोग वेट करिए, जैसे ही यहाँ पे जो है कैबिनेट से पारित होने के बाद जो है एक नोटिस आएगी। अभी देखिए डाउनलोड फुल एडवर्टाइजमेंट, इस पर आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा जो है डाला गया है विज्ञापन। इस पर क्लिक करोगे डायरेक्ट देखिए यहाँ पे दूसरा यहाँ पे जो है 10 अगस्त, जो कि यहाँ पे देखिए एक दूसरा है जो कि मेडिकल ऑफिसर का है। नीचे आप लोग देखिए साधारण ग्रेड चिकित्सा अधिकारी, इसका नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे अभी पब्लिश की गई है। तो अभी जो है फिलहाल भर्ती पर रोक लगा दी गई है और पूरी तरह से जो है भर्ती पर रोक लग गई है। अभी आप लोग वेट करिए। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन में बोला गया था कि डोमिसाइल चाहिए, तो जी हाँ, अगर आपके पास यूके का डोमिसाइल है तभी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। दूसरे स्टेट वाले फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, यहाँ पर जो है फॉर्म 60 नहीं लगेगा, साथ ही जो 1 साल का एक्सपीरियंस था वह अब नहीं लगेगा। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आप सभी लोगों के लिए। तो जैसे ही कोई इस पर अपडेट आती है तो मैं वीडियो बना दूंगा। अभी आप लोग यहाँ पे देखिए डेट भी कोई मेंशन नहीं की गई है, ऑनलाइन फीस पेमेंट की डेट नहीं है, कुछ भी यहाँ पे है नहीं। तो बिल्कुल अभी जो है यहाँ पे फिलहाल भर्ती पे रोक लग गई है, आप लोग इसको जो है दोबारा चेक कर सकते हैं बिल्कुल ऑफिशियली। तो जैसे ही कोई नई डेट की नोटिस आ रही है मैं वीडियो बना दूंगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी जानकारी चाहती हो तो नीचे कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।